सुदर्शन न्यूज ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए दावा किया कि कुरुक्षेत्र में लैंड जिहाद चल रहा है। ट्वीट के मुताबिक कुरुक्षेत्र में गीता के उपदेश वाली जगह पर मजार बना दी गई। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देख लीजिए। आप देख लीजिए, सामने जो रात है यहीं पर श्री कृष्ण भगवान ने वट वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था। कोई झूठी फेक की कोई खबर नहीं है, ये सच्ची खबर है। देखिए दोस्तों, ये जीने नहीं देंगे तुमको, ये जीने नहीं देंगे। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ पट पट चढ़ करके। ये देखिए पुरुष मजार को दिखाऊंगा जहाँ पर मजार बनने लगी है इसमें मंदिर में। ये देखिए, ये देखिए, ये देख लीजिए, ये वो वट वृक्ष है जिस वट वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था। और ये देखिए भव्य मंदिर यहाँ पर बनना है और मजार बनना स्टार्ट हो गई है। ये देखिए, आ जाओ मैं आपको मजार दिखाता हूँ, मजार बनना स्टार्ट हो गई। यहाँ पर वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर सच्चे हिंदू हो सच्चे सनातनी हो तो। देखिए दोस्तों यहाँ पर मजार बनना स्टार्ट हो गई है। ये देखो कोई ने अभी तक आवाज नहीं उठाई, आपको ही आवाज उठानी पड़ेगी, याद रखिएगा। ये देख लीजिए, आपको ही आवाज उठानी पड़ेगी। ये मजार बनना है पर स्टार्ट हो गई है और ये लोग ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, ये लोग ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मजार बन गई है, मैं आपको दिखाऊंगा एक एक चीज दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पर शिवलिंग विराजमान है, ये देखिए जो मंदिर का पूरा एरिया है। और ये ऐसे ही स्टार्ट होगी, वीडियो को शेयर नहीं किया तो अन्यथा चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना। मैं आपसे निवेदन करूंगा जो यहाँ के संगठन है ये वो इस पर कार्रवाई करें और ये मजार 2 दिन के अंदर टूटनी चाहिए। ये देख लीजिए क्या लिखा भैया, कैमरे पास में लाओ। ये 786 लिखा हुआ है और चांद लिखा हुआ है, क्या लिख रहा है, जय पीर बाबा दी। ये देखिए दोस्तों ये लोग ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। काशी में क्या हुआ था, मथुरा में क्या हुआ था, आप सभी को याद है, ये लोग ऐसे ही करते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता प्रशांत उमराव, सुदर्शन न्यूज से जुड़े पत्रकार जितेंद्र प्रताप सिंह और ट्विटर यूजर अखंड भारत संकल्प ने भी ये वीडियो इसी दावे के साथ ट्वीट किया। फेसबुक पर भी ये वीडियो इसी दावे के साथ वायरल है। तो क्या वाकई में गीता उपदेश स्थल पर मजार बना दी गई? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ऑल्ट न्यूज ने छानबीन शुरू की। सर्च करने पर हमें गीता उपदेश स्थल की तस्वीरें मिली जो वायरल वीडियो में दिख रही जगह से मेल खाती है। ध्यान दें कि ये जगह कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में है। आगे हमने ज्योतिसर थाना में संपर्क किया। थाना इंचार्ज राम सनेही ने हमें बताया कि ये वीडियो गलत दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। वीडियो में दिख रहे मंदिर में कोई मजार नहीं बनाई गई है। उन्होंने कहा कि ये भोरखा है, इसे लोग पूर्वजों की याद में बनाते हैं। इस भोरखे को भी सतपाल नाम के हिंदू पंडित के पुरखों ने बनाया था। थाना इंचार्ज ने कहा कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद सतपाल के परिवार ने ये भोरखा वहां से हटाकर अपने खेत में स्थापित कर दिया है। हमने सतपाल के बेटे विनोद से भी बात की। विनोद ने बताया कि इस वीडियो के गलत तरीके से वायरल होने पर उनके परिवार की भावना को काफी ठेस पहुंची है और इस कारण उन्होंने इसे अपने खेत में स्थापित कर दिया। विनोद ने कहा कि ये भोरखा उनके पूर्वजों ने बनाया था, लेकिन किसी ने इस पर हरी चादर डाल दी और बाद में एक टूरिस्ट ने इसका वीडियो बनाकर इसे मजार बता दिया। जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीन अर्थ संगठन के सदस्य डॉक्टर नरेश भारद्वाज ने ये वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन से मांग की कि इसे बनाने वाले व्यक्ति के खिलाफ दुष्प्रचार करने को लेकर मुकदमा दर्ज कराया जाए। इस घटना के बाद खबर आई कि गांव में मौजूद एक पीर की मजार को तोड़कर वहां भगवा झंडा लगाया गया। इस मामले में पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है। कुल मिलाकर सुदर्शन न्यूज ने हरियाणा में मौजूद गीता उपदेश स्थल पर मजार बनाए जाने का झूठा दावा किया, जबकि ये हिंदू ढांचा है जिसे पूर्वजों की याद में बनाया जाता है।